जय माता दी। दोस्तों जय माँ अम्बे ब्लिस कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तो चलिए दोस्तों बर्फ में खाने वाला हमार सेब का हलवा बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों ये देखिए सेब लिया है, तो सेब को हमने कद्दूकस कर लिया। तो थोड़ा सा कद्दूकस करने के बाद लाल पड़ गए है, इसको हमने साफ पानी से धो के छिलका निकाल के कद्दूकस कर लिया है। हमने चीनी लिया है, तो मीठे के हिसाब से हम चीनी डालेंगे और ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे। तो आप लोगों को हम यही बताएंगे कि बहुत सरल तरीके से आप लोग मुंह मीठा कर सकते हैं, कुछ तीखा खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम लिया, आप लोगों को जो मेवा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई लिया, तो कढ़ाई में हमने ये देखिए, तो इसको हम सेब को इसी कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहे इसमें इसको घी में आप फ्राई कर सकते हैं, हम घी नहीं डाल रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही हम इसका हलवा बना के रेडी करेंगे। हमने चीनी लिया, तो चीनी में हमने थोड़ा पानी डाला है, यह इसको बर्फ में खाना है। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के, इसमें जो धूल मिट्टी थोड़ा सा गंदी से चीनी है, तो इसको हम पानी डाल के निकाल दिया है देखिए। अब इसको हम इसी सेब में ये पानी ये चीनी डाल देंगे। इसको हम बहुत सरल तरीके से बना रहे हैं, बहुत छोटा वीडियो हमारा है दोस्तों, आप लोग देखते जाइए। इसको बहुत आसानी से आप बना के बर्त में खा सकते हैं, जैसे कि मीठा खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों चीनी डाल के इसको सेक को इस तरह पका लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, तो दूध आप चाहे तो घर का है दूध तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ना इच्छा करे तो न डालें दोस्तों, इसलिए कि कोई कोई दूध नहीं खाना पसंद करता है। इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसमें हमने चीनी डाल दिया, चीनी हमारे घुलने लगी है, चीनी के साथ ही हमारी सेब जो कद्दूकस किया है तो ये पक जाएगी अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें कुछ मेवा डाल देंगे। यहाँ पे हमारे हलवे में जो चीनी है तो ये मेल्ट हो गई है ये देखिए। तो दोस्तों दूध हम नहीं डाले हैं इसमें, ना हम दूध डाले हैं, ना इसमें हमने घी डाला है। आप चाहे तो घी से इसे फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें दूध डाल सकते हैं। तो हम इसमें कोई चीज़ ज़्यादा नहीं डाला दोस्तों, आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोगों को जितना पसंद हो तो आप लोग डाल सकते हैं। इसमें आप दूध डाल सकते हैं, घी से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो चीनी है इसमें मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो काजू बादाम लिया है इसको डाल देंगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे, उसके बाद ये निकल के देख। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सेब का हलवा बना के रेडी कर दिया जो बर्त में खाने वाला। तो इसमें हमने घी नहीं डाला ना दूध डाला है दोस्तों। तो आप चाहे तो घी दूध डाल सकते हैं, हम तो आप लोगों से पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे हमने केवल चीनी सेब मेवा डाल के हमने ये हलवा रेडी किया है दोस्तों। तो इसको बर्त में बना के तुरंत बना के खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं है खाने से। बर्त में खाने वाला जैसे कि सेब खाते हो तो आप इसको बना के बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो इसको हमने फटाफट बना के रेडी कर दिया, दो सेब का हमने हलवा बनाया दोस्तों। आप चाहे जितना चाहे तो उतना बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी।